नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल कुक विद किरण में स्वागत है। आज हम बनाएंगे ऑनियन पराठा। इसे हमने आटा गूंथ कर नहीं बनाया है, इसे बैटर से बनाया है। बिना मेहनत किए ये पराठे 10 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करें ऑनियन पराठा। यहाँ पर हमने मल्टीग्रेन आटा यूज़ किया है, आप सादा आटा भी ले सकते हैं। 2 कटोरी हम यहाँ पर मल्टीग्रेन आटा ले रहे हैं। 1 बारीक चॉप्ड ऑनियन, 2 से 3 टेबल स्पून धनिया पत्ता, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक हरी मिर्ची का पेस्ट, तीखा भी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर बनाने के लिए हमें 2 कप पानी लगा। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इसे अब हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गया, बैटर हमारा तैयार हो गया। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने गैस ऑन करके तवा गरम होने के लिए रखा है। तवा गरम हो गया है, अभी हम बैटर को लेंगे और तवे पे फैला देंगे। इसे अच्छे से एक तरफ पकने देंगे। अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद इस पे हम अच्छे से घी लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ पलट देंगे। दूसरी तरफ पलटने के बाद उस पे भी अच्छे से घी लगा लेंगे। आप घी की जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। और इसे पर ब्राउन चित्ते पड़ने तक हमें पराठे सेक लेने हैं। पराठे चारों तरफ से दबा दबा कर सेक लेने हैं ताकि कहीं से कच्चे ना रहें। पराठे सीख गए, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे पराठे हम सेक कर तैयार कर लेंगे। पराठे सेकते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर पराठे नहीं सेकेंगे, नहीं तो पराठे जल्दी पक जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पर हमने सारे पराठे सेक कर तैयार कर लिए। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसे हरी चटनी, लाल चटनी, श्रीखंड किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे आप बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।